नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज यानी 23 मार्च 2020 को दोपहर में मैंने एक वीडियो डाला था कि जो वायरस डिजीज है उसके हाई रिस्क पेशेंट्स कौन कौन है, और उस वीडियो में मैंने लास्ट में आपको बताया था कि डेली काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं यूट्यूब चैनल पर, आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता है तो उसके कारण कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन बिजी शेड्यूल के कारण और क्लिनिक पे बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है उसके कारण मैं ना तो सारे कमेंट्स देख पाता हूँ दोस्तों, ना सबको रिप्लाई कर पाता हूँ, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा फील होता था। तो मैंने उस वीडियो में कहा था कि क्योंकि अभी मैं घर पर ही हूँ तो उस वीडियो के अंदर जो इनिशियल 10 क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस का मैं आज इवनिंग में जवाब दूंगा। तो उस वीडियो के अंदर आज दोपहर में जिन लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे उनमें से मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन ले पाया हूँ, सब नहीं ले पाया हूँ, तो उन 10 क्वेश्चंस का मैं इस वीडियो के अंदर जवाब दूंगा। लेकिन अगर उस वीडियो पर आपने कमेंट किया था और मैं जवाब नहीं दे पाया तो आप परेशान नहीं हो, कल मॉर्निंग में वापस मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा कि आप घर पर ही बैठे अपनी इम्यूनिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अभी सब लोग घर पे हैं तो घर पे किस प्रकार अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और किस प्रकार बीमारियों से आप बच के रह सकते हैं, वो जो कल मॉर्निंग में मैं वीडियो अपलोड करूंगा, इनफैक्ट कल दोपहर में लगभग 1 बजे वापस उस वीडियो के अंदर शुरू के जो 10 कमेंट्स होंगे उन सब का मैं कल नाइट में वापस रिपीट आंसर दूंगा। तो आज दोपहर में आपने अगर कमेंट्स किया था और इस वीडियो के अंदर अभी आपका क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज़ मैं माफ़ी मांग रहा हूँ क्योंकि मैं सबका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ एक साथ, लेकिन कल दोपहर के वीडियो के अंदर आप डालें तो मैं कल इवनिंग में उनको जरूर लेने की कोशिश करूँगा। दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है मैं पढ़ के आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने हालांकि क्वेश्चंस के लिए बोला था आप जितना डिटेल में मुझे भेजेंगे उतना मुझे हेल्प मिलेगी कि मैं आपके लिए कुछ मेडिसन्स बता सकूं, और ये मेडिसन्स कभी भी एज ए मेन ट्रीटमेंट नहीं, बट हाँ होम्योपैथी की बेस्ट आपकी प्रॉब्लम के लिए जो इंडिकेटेड थेरापेटिक मेडिसन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे टोटली एक्सपीरियंस पे है। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कुलदीप पूनिया जी का और उनका क्वेश्चन है कि प्लीज़ इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन बताएँ। तो दोस्तों इम्यूनिटी बूस्टर के लिए बहुत सी मेडिसन है और लेकिन करंट सिनेरियो के हिसाब से ज़्यादातर लोग पूछ रहे हैं और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है कि अभी के हिसाब से इम्यूनिटी बूस्टर होम्योपैथी मेडिसिन कौन सी है। तो मेरा आंसर है दोस्तों कि इसके अंदर दो मेडिसिन है जो आपके लिए बहुत अच्छी हेल्प कर सकती है, पहली है इन्फ्लुएंजिनम 200 और इन्फ्लुएंजिनम 200 एक 900 डे, इसलिए इसको बार बार रिपीट नहीं करते, इसको हर 15 दिन में एक डोज ले सकते। मान लीजिए आपने आज एक डोज ले ली उसकी इन्फ्लुएंजिनम 200 की तो वापस 15 दिन बाद आपको रिपीट करना है, और जो एडल्ट डोज होती है बच्चों को उसे हाफ कर देनी चाहिए। अगर ड्रॉप्स में ले रहे हैं कोई भी मेडिसिन को तो आप 2 ड्रॉप एडल्ट ले सकते हैं और बच्चों को एक बूंदी दीजिए और 15 दिन बाद रिपीट कीजिए। सेकेंड मेडिसिन करंट सिनेरियो में जो काम कर रही है वो है आर्सेनिक एल्बम 30 जो इंडिकेटेड है, और आर्सेनिक एल्बम 30 को रूटीन के अंदर रिकमेंड किया हुआ है कि आपको 3 दिन तक रोज़ सुबह एक बार लेना चाहिए, और अगर महामारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है जैसा कि अभी लग रहा है तो इसको हर वीक यानी हर सप्ताह से आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं। तो ये था कुलदीप पूनिया जी का क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूँ कि कुलदीप जी आपको सेटिस्फेक्शन मिला होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटी बांग्ला जी का और वो पूछते हैं कि मैं मैरिड हूँ क्या कोई STD के लिए मेडिसिन है। हालाँकि क्वेश्चन काफ़ी लंबा था, मैंने उसको शॉर्ट में समराइज करके शेयर किया, तो कि मैं मैरिड हूँ और क्या कोई STD के लिए मेडिसिन है। तो दोस्तों STD के लिए बहुत सी मेडिसिन्स आती है क्योंकि STD एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसमें सबके लिए अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जो बेस्ट इंडिकेटेड मेडिसिन्स है जो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो मैं आपको बताऊं तो सबसे पहली मेडिसिन है थूजा, और थूजा को यूज़ करने का तरीका ये होता है कि जब भी आप ट्रीटमेंट शुरू करें तो थूजा को इनिशियली 200 पोटेंसी में आपको लेना चाहिए और वीक में एक बार आपको लेना चाहिए। सपोज़ आपने थूजा 200 आज ली तो वापस जो है नेक्स्ट एक वीक बाद उसको 200 को आप रिपीट करें, 2 डोज आप थूजा 200 की ऐसे लें, उसके बाद के अंदर थूजा की पोटेंसी बढ़ा के 1 mm कर देनी चाहिए और 1 mm को सिर्फ महीने में एक बार लेना चाहिए। तो जो बेस्ट मेडिसिन है वो इसकी थूजा ही है, एंड इवन आप मैरिड हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके पार्टनर को भी इसकी एक डोज आपको देनी चाहिए। सेकेंडली इसके 2 मेन इंडिकेशंस जो होते हैं कि अगर आपको मान लीजिए कि STD है और उसके बाद में आपको यूरेथ्रा से कोई तरह का डिस्चार्ज आ रहा है, और अगर वो डिस्चार्ज अगर आपका जो है ग्रीन कलर का है यानी हरे रंग का डिस्चार्ज आ रहा है आपको यूरेथ्रा से पेशाब के रास्ते से, और उसके साथ में बाकी कंप्लेंट्स पेशाब जलन से उतरना, मुश्किल से उतरना, ड्रॉप ड्राई ड्रॉप यानी बूंद बूंद करके पेशाब भरना, ऐसी दिक्कत है तो आपको मर्क और को 200 पोटेंसी में सुबह शाम लेना चाहिए। और अगर आपका जो डिस्चार्ज है वो ग्रीन यानी हरा नहीं होके येलो यानी पीले रंग का है और बाकी ये कंप्लेंट्स है तो ऐसे के अंदर मर्क सोल 200 को सुबह शाम लिया जा सकता है। इस तरह की कोई कंप्लेंट नहीं है तो फिर आपको थूजा लेनी चाहिए और मर्क सोल लेनी चाहिए, ये 2 मेडिसिन मोस्ट ऑफ द केसेज में देखा गया कि बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपक जैन जी का, उनका क्वेश्चन को अगर मैं समराइज करूँ शॉर्ट में आपके लिए कि उन्होंने कहा है कि मेरी माँ को
5 साल से अस्थमा है और इनहेलर भी चल रहे हैं और कफ भी रहता है। और आगे वो लिखते हैं कि उनको हाथ और पैर में वाते आते हैं को जो मैं समझ पाया हूँ, शायद वो कहना चाह रहे हैं कि उनके हाथ पैर में क्रैम्प्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, जो मैं गैस कर पाया हूँ। एग्जैक्टली मैं नहीं समझ पाया। तो दीपक जैन जी, आपके क्वेश्चन के लिए ऐसा है कि माता जी को जो क्रैम्प्स आ रहे हैं, यूजुअली जो पैरों में क्रैम्प्स होते हैं और हाथों में जो क्रैम्प्स फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, खास करके माता जी हैं तो मैं मान सकता हूँ शायद 45-50 ईयर्स के आसपास होंगे या ज़्यादा हो सकते हैं, तो इस एज में कैल्शियम और D3 की डिफिशियंसी होना काफ़ी कॉमन है और उनकी डिफिशियंसी से आपको पैरों में क्रैम्प्स आते हैं और ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है और ये क्रैम्प्स दिन के बजाय रात में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली एडवाइस कि अगर क्रैम्प्स है तो आपको सीरम कैल्शियम यानी कैल्शियम और विटामिन D3 का ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, और अगर उनकी डिफिशियंसी आती है उनकी बॉडी के अंदर तो उनके प्रॉपर आप सप्लीमेंट्स जो है ले सकते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलता है और उसमें आपके एलोपैथिक डॉक्टर जो होते हैं वो हेल्प कर सकते हैं सप्लीमेंट में। और अगर होम्योपैथी में बात करें क्रैम्प्स के लिए कौन सी अच्छी मेडिसिन है, तो क्रैम्प्स के लिए पर्टिकुलरली एक तो वेराट्रम एल्बम बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको 30 पोटेंसी में हम लोग रूटीन में रिकमेंड करते हैं और 30 पोटेंसी में आपको शाम के टाइम लगभग 9-10 बजे लेना चाहिए और 3 दिन तक एक बार लेना चाहिए। मान लीजिए आज रात को ले लिया, फिर कल रात में एक बार ले लिया, फिर अगले दिन रात में एक बार और ले लिया, और मोस्ट ऑफ द केसेस में इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। सेकंड मेडिसिन जो इसमें रिजल्ट देती है, अगर इससे रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो क्यूप्रम मेट जो है इसकी एक अच्छी मेडिसिन है, और क्यूप्रम मेट को कोशिश करें 12x पोटेंसी में मिल जाए और उसकी 4-4 गोली आप दिन में 3 बार लें। अगर 12x पोटेंसी में क्यूप्रम मेट नहीं मिलती है तो क्यूप्रम मेट को 30 पोटेंसी में सुबह शाम आप जो है कुछ समय के लिए दे सकते हैं, तो उससे भी इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन अगर कैल्शियम D3 की डिफिशियंसी है तो आपको सप्लीमेंट देना ही होगा। नेक्स्ट दोस्तों, इनका दीपक जी का क्वेश्चन था माताजी के अस्थमा को लेके, तो अस्थमा के लिए जो है, हालांकि वापस एक बड़ा टॉपिक हो गया, मैंने काफ़ी वीडियोस अस्थमा पे डाले हैं आप देख सकते हैं, बट रूटीन में अगर मैं आपसे बात करूं तो बेसिलिनम 200 इसकी एक अच्छी मेडिसिन है और बेसिलिनम 200 को वीक में एक बार आपको देना चाहिए। मान लीजिए एक डोज आज दी तो एक हफ्ते बाद वापस इसकी एक डोज आपको रिपीट कर सकते हैं। और अगर अस्थमा का एक्यूट अटैक है, जिस टाइम अस्थमा का एक्यूट अटैक आ जाए, बहुत तेज़ सांस चल रही है कर रही है और जिसको हम कहते हैं अटैक ही आ गया, उस टाइम में ब्लाटा ओरिएंटलिस मदर टिंचर या जो ब्लाटा ओरिएंटलिस क्यू है, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और उसकी जो डोज़ है वो ये है कि एक्यूट अटैक में तो इसकी आप 5-5 बूंद 1 कप गुनगुने पानी में मिला के हर 15-20 मिनट से भी रिपीट कर सकते हैं, अदरवाइज रूटीन में 2-3 दिन आपको सुबह शाम देके बंद कर देना चाहिए। और जब थोड़ा केस स्टेबल हो जाता है तो उसके बाद के अंदर दोस्तों ब्लाटा ओरिएंटलिस की पोटेंसी बढ़ाई जाती है और इसको 200 पोटेंसी को दिन में एक बार देना होता है। और यहाँ मैं ये भी एडवाइस करूँगा कि ब्लाटा को लंबे समय तक नहीं दिया जाता है, जैसे ही लगता है कि सिम्टम्स इंप्रूव हो रहे हैं, स्थिति इंप्रूव हो गई है, पहले से अब जो है कंप्लेंट कम हो रही है और मतलब आपको कि मेडिसिन देने से फ़ायदा हुआ है, जब इस तरह का है तो ब्लाटा ओरिएंटलिस बंद कर देना चाहिए और वापस जैसे ही लगे कि थोड़ा तकलीफ बढ़ी तो वापस उस टाइम 200 की एक डोज आप बढ़ा सकते हैं। ये एक ब्लाटा ओरिएंटलिस इसकी बेस्ट मेडिसिन है। और ब्लाटा ओरिएंटलिस पे मेरा एक अलग से वीडियो भी है, जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अस्थमा ब्लाटा ओरिएंटलिस करके सर्च करेंगे तो वो वीडियो आपको जरूर मिल जाएगा। और रूटीन के अंदर जो है इसके अंदर आर्सेनिक एल्बम 30 और इपिकेक 30, ये दो मेडिसिन है जो रूटीन में अस्थमा में आप लंबे समय तक भी हम लोग रिकमेंड करते हैं और जिनसे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, ये रूटीन में दी जा सकती है सुबह शाम दोनों को 30 पोटेंसी में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्टू जी का, और बिल्टू जी लिखते हैं कि अगर मैं होम्योपैथिक दवाई ले रहा हूँ तो क्या मैं इसके साथ आयुर्वेद का त्रिपला चूर्ण ले सकता हूँ। तो बिल्टू जी, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप चाहे कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक प्रिपरेशन ले रहे हैं, या किसी भी कारण आप मान लीजिए कोई एलोपैथिक मेडिसिन भी ले रहे हैं, तो आप उन सब के साथ वो होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन सेफेस्ट पेती है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई रिएक्शन नहीं होता, शायद यही कारण है कि इसका बहुत ज़्यादा जो है लोग सेल्फ यूज़ भी करते रहते हैं और हम भी इस तरह से बात कर रहे हैं। तो आपके क्वेश्चन पे वापस आएँ तो आप बिल्कुल त्रिफला चूर्ण के साथ ले सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि बेटर रिजल्ट्स के लिए आप कोई भी प्रिपरेशन आयुर्वेदिक या एलोपैथी कोई भी लेते तो होम्योपैथी और उसमें आपको लगभग 60 मिनट्स का गैप रख के लेते हैं तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बाकी कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं होता। दोस्तों सक्सेस स्टडी सेंटर जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये पूछते हैं कि क्या अभी ये बीमारी चल रही है या महामारी बन सकती है। तो मेरा इसका आंसर है हाँ, क्योंकि दोस्तों ये कोई नया टॉपिक नहीं रह गया, आप हम अभी सब सोशल मीडिया से कनेक्टेड है और ये इंडिया नहीं वर्ल्ड वाइड, और हम लोग लगे हैं कि हमारे देश में बीमारी काफ़ी लेट आई है और हमारी गवर्नमेंट इसमें बहुत अच्छे मतलब प्रिकॉशंस ले रहे हैं, बहुत अच्छे डिसीजंस वो लोग ले रहे हैं। अब ये आम पब्लिक आप और हम पे डिपेंड करता है कि किस तरह से इस बीमारी को महामारी बनाने से
रोका जा सकता है। तो गवर्नमेंट जो भी एडवाइजरी जारी कर रही है उन सबको फॉलो करना चाहिए। जितना आप ध्यान रखेंगे और जो बेस्ट है इसके अंदर प्रिवेंशन की, आप जितना घर में रहेंगे उतना ही ये बीमारी फैलने से आप इसको बचा सकते हैं, और वही हमारे घर परिवार समाज और देश को बचाएगी और महामारी से हम लोग बच सकते हैं। वर्ल्ड वाइड तो ऑलरेडी महामारी बनी चुकी है, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करें और सेफ रहें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेंद्र कौर जी का कि क्या आर्सेनिक एल्बम इस महामारी से बचा सकती है। तो मेरा इसका आंसर है कि आर्सेनिक एल्बम पे मेरे काफ़ी वीडियोस हैं ऑलरेडी, आप उनको देख लें डिटेल में समझना चाहें तो। यहाँ मैं यही कहना चाहूँगा कि ये इससे बचाने की कोई श्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि आपने आर्सेनिक एल्बम ले लिया है तो अब मुझे ये बीमारी नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये आपकी मदद ज़रूर करती है, क्योंकि आपकी वायरल डिजीज़ के लिए आर्सेनिक एल्बम फाइटिंग फोर्स को बढ़ा देती है, आपकी इम्यूनिटी को ज़रूर मजबूत कर देती है। जिस तरह से आप हेलमेट लगाते हो, सीट बेल्ट लगाते हो, जिससे कि अगर आप रोड पे हो तो एक्सीडेंट होने से कम चोट लगे, ट्रॉमा कम से कम हो, उसी तरह से आर्सेनिक एल्बम आपकी हेल्प करती है कि आपको कम से कम कोई तरह की चोट वगैरह या जो मतलब बीमारी के कॉम्प्लिकेशन से कम देखने को मिले। मेडिसिन आपकी हेल्प ज़रूर करती है, बट प्लीज़ उसको ग्रांटेड नहीं लें। नेक्स्ट क्वेश्चन था गुरमिंदर सिंह जी का, और ये लिखते हैं कि मुझे टाइफॉइड फीवर है, मुझे वीकनेस है, मुझे हेडेक है और मुझे फीवर भी हो रहा है और जबान पर वाइट कोटिंग भी है। दोस्तों टाइफॉइड फीवर के लिए गुरमिंदर जी मैं आपको कहना चाहूँगा कि सॉरी, लेकिन बेस्ट जो मेरा एज ए डॉक्टर आपके लिए एडवाइस रहेगा कि आपकी जो कंडीशन है एक्यूट कंडीशन है, आपको फीवर भी आ रहा है, वीकनेस भी है, हेडेक है, टाइफाइड फीवर में करंट कंडीशन में क्योंकि एक्यूट कंडीशन है और काफ़ी ज़्यादा जो आप सिम्टम्स कह रहे हो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको प्रॉपरली एलोपैथिक डॉक्टर से मिलकर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवाने चाहिए। प्लीज़ मैं एडवाइस करूँगा कि घर पर बैठ के सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करें, वरना ये कई बार लाइफ थ्रेटनिंग या सीरियस कंडीशन बन जाती है। एक चीज़ ज़रूर कि जब आप रिकवर हो जाते हो, बिल्कुल ठीक हो जाते हो, तो उसके बाद में आपकी वीकनेस को दूर करने के लिए, क्योंकि टाइफाइड में वीकनेस बढ़ेगी ट्रीटमेंट के बाद, बॉडी काफ़ी वीक हो जाती है, तो उसमें आप सेलेनियम 200 को दिन में एक बार 15 दिन तक लेते हैं तो आपका टाइफाइड में आपको जो रिकवरी है वो बहुत अच्छी होगी और वीकनेस से आप जल्दी रिकवर हो पाएंगे। मेडिसिन से पर मैं आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक्यूट कंडीशन में अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि एलोपैथिक डॉक्टर से मिलकर ट्रीटमेंट के लिए। होम्योपैथी की भी अपनी लिमिटेशन है कि हर चीज़ हर जगह काम नहीं करती, तो टाइफाइड एक्यूट कंडीशन है अभी जो आपकी, तो मेरा सजेशन प्लीज़ और रिक्वेस्ट आपसे कि आप एलोपैथिक डॉक्टर से मिलकर ट्रीटमेंट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेंद्र खदाव जी का, ये लिखते हैं कि इम्यून सिस्टम के घरेलू उपाय बताएं। तो राजेंद्र जी, इम्यून सिस्टम के घरेलू उपाय एक थोड़ा बड़ा टॉपिक हो गया जिस पर अलग से हमें 8-10 मिनट बात करने की ज़रूरत है। जैसा मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया, कल मॉर्निंग में इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा और कल दोपहर यानी 24 तारीख को 1 बजे इस पर वीडियो अपलोड करूंगा, उसको आप ज़रूर देखें और मैं कोशिश करूंगा कि इस पर बेस्ट पॉसिबल मैं आपसे मतलब बात कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरती पारासर जी का। आरती जी लिखती है, मेरे हस्बैंड को हेपेटाइटिस बी है और ड्यू टू गिल्बर्ट सिंड्रोम है, बट अभी वो ठीक हैं और अभी उनके लीवर भी ठीक है और अभी वो नोएडा में जॉब करते हैं, और लास्ट मंथ उनको वायरल फीवर आया था जिसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन से एक्सरेज वगैरह करवाए थे वहाँ डॉक्टर्स ने और उनको ब्रोंकाइटिस बताया है, तो क्या अभी वो सिचुएशन को देखते हुए आर्सेनिक एल्बम दे सकते हैं। तो आरती जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी की सिचुएशन के हिसाब से, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कवर किया है कि इन्फ्लुएंजनम 200 को वीक में एक बार दिया जा सकता है, मतलब इन्फ्लुएंजनम 200 जो मैंने बताया था एज इम्यूनिटी अपन यूज़ कर सकते हैं और उसको हर 15 दिन में उसको एक बार रिपीट करना ठीक रहता है, और आर्सेनिक एल्बम भी आप उसमें यूज कर सकती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषभ बेदिया जी का कि वो कहते हैं कि गाउट की मेडिसिन चल रही है, अभी कफ एंड कोल्ड है, तो क्या मेडिसिन लूँ कि इम्यूनिटी बढ़ जाए और कफ एंड कोल्ड ठीक हो जाए। गाउट के लिए ऑलरेडी कुछ मेडिसिंस ले रहे हैं। तो ऋषभ जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि करंट पोजीशन में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो मेडिसिंस की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी मैंने बताया कि इसके अंदर काफ़ी मेडिसिंस आती है, लेकिन आपकी कफ एंड कोल्ड की ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बेसिलिनम 200 लीजिए और उसकी एक डोज लें, और अगर आपको एक हफ्ते बाद भी ये प्रॉब्लम रहती है तो बेसिलिनम 200 को आप एक हफ्ते बाद रिपीट कर सकते हैं। उसके साथ में कफ एंड कोल्ड है तो आपको आर्सेनिक एल्बम 30, ब्रायोनिया 30 और इपिकेक 30, ये तीन मेडिसिन है जो मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स को इस टाइम जो प्रॉब्लम्स आ रही है इनको रिकवर कर लेती है, तो ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे तो नेचुरली सारे क्वेश्चंस एक वीडियो में अटेंड नहीं किए जा सकते, तो जिनको मैं क्वेश्चंस नहीं ले पाया हूँ सॉरी, हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो कल दोपहर में जो अपलोड करूँगा उसके अंदर जो आप इनिशियल 10 क्वेश्चंस होंगे एटलीस्ट मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं उनको अटेंड कर सकूँ। थैंक यू, और लास्ट में यही बोलूँगा दोस्तों, अभी चारों तरफ की जो सिचुएशन है तो उसके अंदर अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू।